अब फ्रेंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बाद आता है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? कोई मैट्रिक्स हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, यानी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अगर उसका ट्रांसपोज, यानी जो मैट्रिक्स है ए और उसका ट्रांसपोज, जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि रो को हम करस्पोंडिंग रो को करस्पोंडिंग कॉलम बना देते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, इस तरह से चेंज करके हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाते हैं। अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स और जो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है वो सेम हो तो उस कंडीशन हम कहते हैं जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसकी एक डेफिनेशन इसके इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि अगर हमारे पास ए आई जे, यानी आई वी रो का जे वा कॉल मेंबर, आई रो का और जे वे जे जो कॉलम है उसका जो मेंबर है वो इक्वल हो जे मी रो और आई वा कॉलम के, तो उस कंडीशन में हमारे पास कहेंगे कि जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर सपोज ये मैट्रिक्स हमारे पास फ्रेंड्स जैसे ए बी सी डी ई एफ सी ई जी, अगर इसका हम ट्रांसपोज देखें तो ट्रांसपोज के लिए हम रो को कॉलम में चेंज करेंगे, तो ए बी सी को अगर हम यहाँ पे लिखते तो वो ए बी सी आ जाता, यानी कि ये ऑटोमेटिक ये आ जाता। अगर हम डी ई एफ डी ई एफ को लिखते तो बी ई एफ जो आता है वो सेकंड कॉलम आ जाता, ये बी ई एफ, और इसी तरह सी एफ जी तो सी एफ जी थर्ड रो आ जाता। अगर हम यहाँ से अब देखें तो ये भी देख सकते हैं, अगर हम आई वी रो की बात कर रहे हैं यानी पहली रो की बात कर रहे हैं तो पहली रो होनी चाहिए वो पहले कॉलम के समान होनी चाहिए, सेकंड रो होनी चाहिए वो सेकंड कॉलम के बराबर होनी चाहिए, थर्ड रो होनी चाहिए वो थर्ड कॉलम के बराबर होनी चाहिए, इसी तरह एम बी रो होनी चाहिए एम बे कॉलम के बराबर। जैसे इसमें एग्जाम्पल में देखें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेम है, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम सेम है तो ये, और इस तरह थर्ड रो सी एफ जी एंड सी एफ जी ये हमारे पास सेम है, तो इस तरह से जो मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो फ्रेंड्स कुछ जैसे कि यूनिट मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी यूनिट मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स हैं हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है।